ये देखो मेरे ऊपर गरम चाट आ गए मम्मी। यहाँ पे आ गए हैं अंकिता के लिए ट्रे खरीदने के लिए, क्योंकि इसका वजन ज्यादा हो गया है। गिन जाएगी। दिखाओ। बजट के बाहर है। कौन सा? ये बच्चों के लिए नहीं लेना, बच्चों के लिए, मेरे लिए। मेरे लिए अच्छा लगा। देखती हूँ, बोल रहे हैं कि वीडियो बना लो, तो मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बोल रहे खाना खा के जाना। और किस किस ने मेरे वीडियो को लाइक किया भाई? कोई बोल रहा था, कोई भी नहीं। मैं क्या वो सब ने लाइक किया, सब ने किया, सब ने अच्छा लगा। तो ये आ गया ट्यूशन फीस के लिए। अरे जल्दी तो लेट हो रहा है। क्या 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 मम्मी? किस लिए आया बता? मम्मी मेरे को ट्यूशन का होमवर्क करना है। मैं कभी कौन से लेट हो रहे हो मम्मी? दे क्या दू बता। टाइम नहीं है देखो। हट, उसका थोपड़ा कितने दिखा रहे हमारा हीरो साथ मिल। ओए 4 बजे आ मैंने ये मैं इसको दिखाना। मैं पकड़, मैं दिखा चुका। इधर देख, मैं जिम ले रही हूं। सच में इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोक ना भाई, दे रही ना पैसे। मत देना इसको आज के बाद कुछ। 1500। ये देखो पैसे ही पैसा है मम्मी के पास। 1500। एक मिनट में बात करूँ। 1500 ज्यादा। चल कब डालेगी वीडियो? डाल देना, कल ही डाल देना। ये बोल रहे हैं कि आज ही डाल दे। ठीक है, आज ही डाल देते हैं। चलो, तो आज मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ममा का न्यू इम्प्रूव शैम्पू और कंडीशनर। तो सबसे पहले हम शैम्पू की बात करते हैं। ये आपके हेयर को डीप क्लींजिंग करता है, 22% मोर फॉर्म देता है बिना सल्फेट और टॉक्सिन्स के। आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि आपको तो पता है ऑनियन से हमारे हेयर की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, इसमें साथ ही आपके हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शाइन देता है, नरिश करता है आपकी स्कैल्प को। Also have up to 8 times more detangling action and 4 times more conditioning effect. It's time to welcome healthier hair with the time-tested goodness of onion. Mamaearth Onion Hair Shampoo helps you combat hair fall with its natural goodness. Onion rich in sulfur, potassium, antioxidants reduce hair fall and accelerate hair growth. It also safe for chemical treated hair. Onion जो है ना आपके blood circulation को improve करता है, आपकी scalp को blood circulation को, तो उसके help से आपके hair की growth और ज़्यादा अच्छी होती है। Tangles हटाता है, ये जो उलझे बालों से हम परेशान हो जाते हैं, frizz free बनाता है, और क्या चाहिए। तो आप यूज करके देखो। कर लेते हैं कंडीशनर की। तो ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्गर, स्मूदर और शाइनर बनाता है, क्योंकि इसमें कोई टॉक्सिन नहीं है, हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो इसमें कोई आपको सिलिकॉन्स नहीं, पैराबीन, मिनरल ऑयल ये सब नहीं मिलने वाले। इंग्रेडिएंट्स यूज इन दिस शैम्पू: ऑनियन, कोकोनट, स्वीट आलमंड ऑयल, एंड द कंडीशनर इज फ्री ऑफ एनी पैराबीन, मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन। ममाअर्थ के जो शैम्पू कंडीशनर है ना, ये आपके हेयर ग्रोथ बढ़ाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपके स्कैल्प को डीप क्लींज करता है, फ्रीज फ्री बनाता है, शाइन देता है, स्ट्रॉन्ग करता है आपके हेयर को। व्हेन यू बाय फ्रॉम ममाअर्थ, ममाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 ममा इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट ममाअर्थ के ऑफिशियल ऐप पे और ममाअर्थ के वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। आप मेरा ये कूपन यूज करते तो आपको ऑफ मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ममाअर्थ का प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे, तो ये आपके साथ ही आपके आसपास के स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो आप जब भी देखो अपने आसपास के स्टोर पे ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमने देखा ममाअर्थ का प्रोडक्ट आपके नियर बाय स्टोर्स पे। तो आपको यूज करके कैसा लगा जरूर बताना ये प्रोडक्ट। और मेरे हेयर भी देखो, मेरे हेयर इससे पहले बहुत रफ से थे, पर इसको यूज करने के बाद आप देख सकते हो बहुत अच्छे लग रहे हैं।
ये दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। साथ ही मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है और इंडियन ब्रांड भी है। और बहुत देखो पूरे सुलझे हुए हैं। खाना रुक रहे वो खा रहा है, उसका लेट हो रहा है ना, तो बोला है ना रोल कल के लादो में खाऊंगा, तो खाएगा कैसे, जूता पहन रहा है, इसको मैं हाथ में ली हूँ और ऐसा खिला रही हूँ, आयु से भी छोटा बच्चा है, देखा उसके पीछे पीछे आना पड़ रहा है, कुछ नहीं खिला रहा, बोला रोल करके देते फरा था, हाँ जूता पहन रहा, बता कैसे खाएगा, हाँ अरे मम्मी कुछ खिला रही है, आयु से भी छोटा है, देख लो अब अंकुर बच गई थी, ये ले तू आयुष, आयुष अपने आप भी खा लिया, दिखा आयुष तैयार हो गया, दिखा मैंने अपने आप भी खा लिया, आज आपने खुद से खाया ना, आज खुद तू भैया बन गया और ये आज रोहित बन गया है, आज ही भाई हो गया। दिखा आयुष, दिखा दिखा कैसे तैयार हुआ है, अच्छा लग रहा है ड्रेस और डांस भी कर रहा है, आयुष स्कूल में क्या है, क्या कुछ नहीं है, चल कुछ नहीं, चल बिंगो टेबल खा, बिंगो टेबल, हां तो बीर सागर के मैंने दाल फेंक के गई थी, मसूर दाल है ये देखिए, पीस के लाल हो गया है, रिकॉर्ड नहीं की, अब मैं गरम गरम पकौड़े तलूंगी और इधर अंकिता बर्तन धो रही है, चलो ये रहे गर्मा गर्म मसूर दाल के पकौड़े तल गए, इसको खा के देखते हैं कैसा लग रहा है, खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है, इसे मसूर दाल का टेस्टी होता है, अंकू कैसा लग रहा है पकौड़े, अच्छा लग, टेस्टी लगते हैं, बेसन से ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं मसूर, आप भी ट्राई कीजिए मसूर दाल के पकौड़े, चल जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को कोई नहीं देखता, ये रहा सब देखेंगे, चल पढ़ ले, ये कोई नहीं देखता है, पढ़ रहे चल, मेरे को नहीं पढ़ना है, ठीक है कर देते हैं, पढ़ना क्यों नहीं है, चल पढ़, नहीं पढ़ना, पढ़ना है। यहाँ पे शाम का खाना हम लोग का तैयार हो चुका है, अंकिता बोल सारा है और जगह नहीं मेरे को लेने के लिए, और भी बहुत जगह नहीं, और भी चीज है, यहाँ पे आ गया है रोहित, दही है, दही भी है, दही भी ले लो, सब कुछ ठीक है, सुबह का समय है, ये मर्चा का ये लोग का ये जो डाटी है ना तोड़ने के लिए दे रखी हूँ, ये रोहित और ये रोहित को अंकित, ये देखो मेरे ऊपर गरम चाय डाल रही है मम्मी, नहीं ये देखो कैसी गरम चाय डाल रही है मेरे ऊपर, मम्मी बोल रही मेरे बिस्तर से जा, मैंने बोला बिस्तर एक्सचेंज कर लो, मेरा इतना छोटा बिस्तर है कैसे, अरे अंकित एकदम दाल बेकार बनेगा, बिल्कुल दाल अच्छा नहीं लगेगा, ये देखो आग लगा दिए थे, पेट भरा है, खाना खाया हूँ, रजाई भी है, बिस्तर भी है, पानी पानी भरा है, कुछ भी नहीं है, पानी है, पानी भी है। पापा ने हम लोग को इस रूम के अंदर बंद कर दिया, ये हल्ला करा था, बहुत हल्ला करा था, इसीलिए मेरे पास स्वेटर भी नहीं है, तो स्वेटर वाला सूट पहनी है, मैं कुछ भी नहीं पहनी, ये देखो इसका रजाई भी नहीं हो सकती, ये बहुत गंदे से रहता है, मम्मी क्या की पता है ये इसके पीछे में छुप गई थी, मैं इसके पीछे ऐसे छुपी थी, मैं सोचूं आएंगे मार ले, मैं इधर से निकल जाऊंगी, तब तक ये क्या किया, दोनों साथ में फूटे ना, और अभी हम लोग को मालूम नहीं इसके बाद क्या होगा, इधर बैठ जाते हैं, गाना सुना है, एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और इसका तो मस्त है, इसका ही रूम है आराम से एकदम मस्त, सब कुछ है, क्या क्या चाहिए, अच्छी है, सब मिलेगा सब लोग बाबू भी भाग गया, मैं इसको बोल ही थी गाना मत चला, सुन नहीं रहा था, गाना तो चिल्ला दे, तू तो हाथी, तू गाना चलाने की वजह से गाना चलाने की वजह से सो रहे हैं, यहाँ पर बैठ के हम लोग मस्ती कर रहे हैं, पहले के सब अपना पोल खोल रहे हैं, पहले की क्या क्या बात है, सबको भी पता वाले नहीं बता सकते, सबको नहीं शेयर कर सकते, चलो अब बैठते हैं, ना तो पानी है ना खाना है कुछ भी नहीं है, कितने घंटे तक ये बंद करेंगे मालूम नहीं है, ए दे दे थोड़ा पानी है इसमें, ये खाली बोतल, खाली जब याद है, कुछ याद आया, किचन से बोतल ला के रखी खाली,
यहाँ पे। हाँ अब आप वो बोलते हैं ना कर्मा वापस आके लगता है। हाँ। तेरे को अभी मैं कर्मा लगा, तूने यहाँ पे खाली बोतल रखा, अब तुझे तेरा तेरा पानी पीने के लिए नहीं रहा, तू वो वाला बोतल भर के ला देती। मैं सोचा पानी भर के मम्मी भर रही है, आजकल मेरे को पानी उठा के देखा घड़े इमोशनल लग रहा है। ठीक है बाद में मिलते, देख तू कब तक खोल दे, खोल दो जल्दी। हम लोग मस्त तो यहां पे पैकेट में हेलो मैं और मम्मी निकल गए। अरे मैं भी आऊंगा। हां 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 दिख रहा है तू, ये दिख रहा है इसको, मतलब ये लो अंकिता ये रख लो पैसे, पैसे दे नहीं पैसे ऐसे दो लाने के लिए नहीं दो। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने घर के लिए। कभी जब रिश्तेदार पैसे देते हैं ना, छोटे में देते थे तो क्या बोलते थे, नहीं 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 चाहिए, लेकिन मन में तो होता था कि दे ही ले, तू भी रख ले इसे। रोहित हमें मिला और रोड क्रॉस करते समय वो फोन में फोन चला रहे, देखो कैसा इंसान है ये। पूरी वीडियो में देखा ना आपने क्या हो गया, हम लोग एक रूम में मैं थे, अंकिता और रोहित, हम तीनों बंद हो चुके थे, लेकिन मस्ती के वो लोग सोचे कि हम लोग बुरा मान रहे हैं कि कमरे मत, लेकिन नहीं हम लोग खूब मजा आया, हम लोग तीनों इंजॉय किए बैठ करके, क्योंकि हरदम तो अपने अपने रूम में रहते हैं और काम रहता है, तो उसी बहाने हम लोग को एक ही साथ चारों का ये नहीं था, ये तो बाहर कुंडी लगा डर से बाहर ही था, तो फिर उसके उनका वो गुस्सा शांत हो गया। और दरवाजा मैंने खोला है। ओ हाँ इसी ने आयुष नहीं, कुछ देर के बाद में आयुष ने ही खोला, और इसके उससे पहले दरवाजा बंद करने से पहले सुबह सुबह पानी बिस्तर पर डाल दिए थे इन लोग को उठने के लिए, एक वो 5 मिनट आजकल थोड़ा गुस्सा चल रहा है। और उसके बाद में अंकिता क्या किया, वो तेल में आग लगा दी, मैंने उसको फेंकवा के दूसरा तेल में तड़का लगाया। वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।